गुड मॉर्निंग. आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने इस टाइम अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर अपनी क्लासेस से टाइम निकाल कर इस प्रोग्राम में शिरकत की. और मैं सबसे पहले तो शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें यहाँ पे बुला के हमारी इज्जत अफजाई की. सभी टीचर्स को पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, आपकी फैकल्टी को, कि यहाँ पे इतना अच्छा टैलेंट, यहाँ पे इतना उमदा टैलेंट आप लोग ग्रूम कर रहे हैं. कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर आपकी जो टीचर्स की टीम है. एंड आई होप यू कीप इट अप. आई होप इस स्कूल की और भी ज्यादा तरक्की हो और ये और ज्यादा उरूज हुए. और मैं चाहती हूँ कि आप लोग, ये जो मासूम बच्चे, जो फूल जैसे हमारे छोटे से साथी यहाँ पर आए हैं, आप लोग जो भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर, टीचर, पायलट, जो भी बनना चाहते हैं आप बने. लेकिन सबसे पहले हम सब कुछ बन सकते हैं. साइंटिस्ट बन जाए हम लोग, पायलट बन जाए, सब कुछ बन जाए. सबसे पहले जो हमें बनने की जरूरत है वो है एक अच्छा इंसान. हमें सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि हम लोगों को एक अच्छा इंसान बनना है. शरीफ साहब ने बयान किया कि किस तरह से जो एजुकेशन है, जो तालीम है, तालीम हासिल करना, जैसे आप लोग यहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं उसको तालीम हासिल करना कहते हैं. तो आप लोग जो कर रहे हो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं. तालीम हासिल करना इन्होंने बताया कि किस तरह से जरूरी है हमारे अपने डेवलपमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए. मैं इसको थोड़ा सा वाजे करके कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन का जो फुल मीनिंग है वो क्या है. कई लोग कहते हैं आजकल की नहीं जी, बाहर नहीं भेजना चाहिए बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, उनको जो है दीन की तालीम देनी चाहिए, बाहर गलत असर होता है. कई सारी इस तरह की बातें आती है सामने. लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें, असल में अगर आप देखें, तो जो दीन और तालीम है वो दोनों एक साथ चलते हैं. उनमें आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है. इख्तलाफ समझते हो आप, यानी झगड़ा. उनमें आपस में कोई भी झगड़ा नहीं है. उनमें कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर आप दीन हासिल करोगे तो तालीम हासिल नहीं कर सकते, तालीम हासिल करोगे तो दीन नहीं हासिल कर सकते. आप लोगों ने लफ्ज सुना होगा जिहाद. जब हम जिहाद की बात करते हैं, शरीफ साहब ने भी अपनी स्पीच में बोला, जिहाद होता क्या है? जिहाद का मतलब है जिद्द जहद करना. इसका मतलब है कि आप अगर यहाँ पे आए हैं. अच्छा, मैं आपसे पहले एक सवाल पूछती हूँ कि हमें जो सारी नियामतें मिली है, आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं वो सबसे बड़ी नियामत है, आपके घर में गाड़ी होगी वो सबसे रेफ्रिजरेटर होगा, आपके पास हमारे पास ये हवा है, ये हवा पानी, जो साफ फिजा है हमारे पास, ये सब नियामतें हैं अल्लाह ताला की. ये सब देने वाला कौन होता है? कौन है ये सब देने वाला? कौन है? मैंने सुना नहीं, जोर से बोलिए. अल्लाह. तो अगर अल्लाह ताला सब कुछ देने वाला है तो फिर हम लोगों को जिद्दोजहद करने की क्या जरूरत है? ये सोचने वाली बात है ना. अगर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आराम से यहाँ पे बैठेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे और हमें लगेगा कि अल्लाह ताला सब कुछ हमें उधर पहुंचा देंगे. ऐसा नहीं होता. अल्लाह ताला ने हमें एक और चीज दी है. उन्होंने जो ये साफ हवा, ये फिजा, हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा साहिबान, ये जो सब नियामतें हमें दी है, इसके अलावा एक और चीज दी है, वो है हमारा दिमाग, हमारा जो जहन है. और इंसान के पास आप अगर देखेंगे कि जैसे जानवर होते हैं, शेर होता है, बहुत ताकतवर जानवर होता है, उसके पास में पंजे होते हैं, उसके पास में दांत होते हैं बड़े जबरदस्त, उसकी उसका साइज बहुत बड़ा होता है, वजन बहुत बड़ा होता है. तो अगर शेर इंसान को हमला करने के लिए आ जाए, खाने के लिए आ जाए, तो हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते. एक्चुअल में इंसान जो है वो जिस्मानी तौर से इतना मजबूत नहीं है कि शेर को जो है मुकाबला कर सके. इंसान इतना मजबूत नहीं है कि अगर उसको सांप ढस ले, कभी आपने देखा है किसी को सांप ने बाइट किया हो, अगर उसको सांप ढस ले तो इंसान इतना ताकतवर नहीं है कि वो जो है उसका मुकाबला कर सके. इंसान इतना अभी डेवलप नहीं हुआ है कि वो अपने बल पर, जहाज में हम लोग जरूर उड़ते हैं लेकिन जिस तरह से परिंदे खुद उड़ते हैं, जैसे हम लोग मछली की तरह तैरते हैं ना, वो इंसान कर सकता है. स्विमिंग करते हैं हम लोग, पता है आपको, तो स्विमिंग कर सकते हैं हम लोग मछली की तरह. लेकिन जैसे परिंदे हवा में तैरते हैं, हवा में उड़ते हैं, वो हम नहीं कर सकते. तो कई सारी ऐसी जिस्मानी होते हैं जो हमारे पास नहीं मौजूद है. तो हमें जो अल्लाह ताला ने उसकी जरिए दिया है वो क्या दिया है? वो है हमारा जहन.
इसी जहन के जरिए इंसान जो है बहुत ही कमजोर कमजोर जानवर है, लेकिन इसी जहन के जरिए इंसान ने काबू पा लिया है। वो चाहे समंदर हो, आज इंसान उड़ भी सकता है, जहाज में चलता है, आज वो जंगलों में जाता है, सब कुछ करता है। इंसान जो है आज वेदर प्रिडिक्ट कर सकता है, कल बारिश होगी या नहीं आपको पता चलेगा। ये सारी चीजें हमने अपनी जहनी तौर पर डेवलप करके किया है। लेकिन आज भी साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसानी जहन जो है उसकी जितनी कुवत है उसका हम 10% भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। आप में से कुछ बड़े स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पता होगा परसेंटेज किस तरह से, लेकिन जो छोटे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मतलब अगर जहन इतना है तो इसका हमने सिर्फ इतना हिस्सा अभी इस्तेमाल किया है। अभी जहन की हमारी जो कुवत है जितना वो आगे बढ़ सकता है, अभी हमने सब कुछ अभी हमने अच्छे से अपने जहन का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी अभी काफी कुछ जो है हम लोग कर सकते हैं। और आप लोग अभी किताबों में पढ़ते होंगे कि जी जो लाइट बल्ब है वो किसने इन्वेंट किया, एडिसन है, वेरी गुड, वो एडिसन ने इन्वेंट किया। आप लोग पढ़ते होंगे कि जो जहाज है वो राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया। हम लोगों ने क्या इन्वेंट किया, मुझे लगता है हम लोगों से पूछना चाहिए कि हम लोगों ने क्या इन्वेंट किया, हम लोगों ने कौन सी चीजें बनाई। अगर आप इस्लाम की तहजीब में जाए, अगर आप देखें कि अरब ममालिक में उस वक्त जब वेस्टर्न साइंस यानी कि जब मगरबी साइंस उतना आगे नहीं बढ़ा था, उस टाइम ही हम लोगों ने कई सारी चीजें इजाद कर ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसको जो अपना जहन है उसको हम लोगों ने कहीं पे इस तरह के हालात भी हुए, जंगे हुई, कई तरीके से हम लोगों को बिठा के रखा गया, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं पर काम करना छोड़ दिया। हम लोगों को साइंटिस्ट जरूर बनना है, वो सारे हम लोगों को फिर से वो सारी चीजें जरूर करनी है। आप ऐसा मत सोचिए, सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आप उम्मीद कीजिए, आप सपना देखने की जिसको कहते हैं कि आप ड्रीम करने की पहले हिम्मत कीजिए। आप में से भी कोई ऐसा एडिसन बन सकता है जो कुछ ऐसा बल्ब निकालेगा जिसमें बिजली बहुत कम इस्तेमाल होती हो, जिसमें एनवायरनमेंट को बहुत कम डैमेज होता है। आप में से भी ऐसा कोई पायलट निकल सकता है जो फ्लाइट को और ज्यादा सेफ, आज भी हम सुनते हैं कि फ्लाइट में एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। तो आप लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, ये सब जाया चीज नहीं है। आपको लगता होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है ये सब, लेकिन आपको आगे चलकर ये पता चलेगा कि कल इस स्कूल में से या आपके स्कूल में से कोई ऐसा स्टूडेंट निकल सकता है जिसने फ्लाइट टेक्नोलॉजी को और ज्यादा सीख करा दिया, जिसने फ्लाइट टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट कर दी कि हजारों के हजारों इंसानी जाने आपने बचा लिया, जिसमें फ्लाइट एक्सीडेंट हो सकते हैं अगर आपने उसको प्रिवेंट किया। आप लोगों को पता है कि इस्लाम में कहा जाता है कि अगर आप एक बेगुनाह की जान लेंगे, अगर आप एक बेगुनाह का कत्ल करते हैं तो उसका मतलब है आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, लेकिन अगर आप एक बेगुनाह की जान बचाते हैं तो उसका मतलब आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। हो सकता है आप में से कोई ऐसा डॉक्टर निकले जो कुछ ऐसी चीज इजाद करे जिससे कैंसर का इलाज हो सके। आपने देखा कि इतने सारे लोग उसकी वजह से सफर करते हैं। आपके पास एक एक शब्द जो यहाँ पे बैठा हुआ है, आपके पास कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अपने जहन में एक चीज रखिए कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत वसी है। ऐसा नहीं है आप लोगों को हम लोग को यहीं पे गवर्नमेंट जॉब ढूंढना है, हम लोगों को यहीं पे 5,000 की नौकरी करनी है जो अवेलेबल ही नहीं है, जिसके पोस्ट 5-5 साल बाद निकलते हैं, जरूरी नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में हमारे लिए बहुत जगह है। जो कोई भी टैलेंटेड फोकस्ड है, जो अपने काम के साथ ईमानदार, यानी अपनी पढ़ाई के साथ ईमानदार, जैसे आपने आपको मामा कहती होगी बेटा होमवर्क किया, आपने आधा होमवर्क करके बोल दिया हाँ मैंने सारा होमवर्क कर दिया, उसको कहते हैं बेईमान। ईमानदारी आपको अपने साथ करनी है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो किसी को फेवर नहीं कर रहे हो, आपकी मामा वो अपनी जिंदगी गुजार चुकी है, आपके अबू मामी वो अपनी जिंदगी गुजार चुके, उनको जो हासिल करना था उन्होंने हासिल कर लिया, आप किसको करना है हमें करेक्ट, अब हमें करना है। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, थोड़ी सी बड़ी स्टूडेंट हूँ आपसे, और मैं अभी PhD कर रही हूँ। तो पढ़ाई की तो एक्चुअली कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप कुछ शरीफ साहब के बारे में जानते होंगे, इन्होंने कई सारे डिसिप्लिन में मैथमेटिक्स में इंग्लिश में कई सारे डिसिप्लिन में इन्होंने महारत हासिल की। आप अगर चाहें आप दो डिसिप्लिन में पढ़ाई कर सकते हैं अगर आपकी क्यूरियोसिटी इतनी है। पहली बात मैं यही कहूंगी कि
आप अपनी पढ़ाई को जब तक जारी रख सकते हैं तब तक जारी रखें, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। बाहर जब आप देखेंगे, जब आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे, एक एक पोस्ट के लिए हजारों बच्चे कम्पीट कर रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई जब तक जारी रख सकते हैं रखिए। दूसरी बात, पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस हमें इक्वेशन रटना है कि काम में क्या लिखा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये नहीं करना है। आप समझ रहे मेरी बात? सबसे पहले तालीम के इसकी तीन अलामतें हैं, इल्म की तीन अलामत है। पहली अलामत है कि आपको खुद को स्ट्रांग बनाना है, यानी आपके आपको कभी ऐसा लगता है कि देखो कुछ गलत हो रहा है, कोई भिखारी है सड़क पे मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही हूँ, या कोई बीमार है मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा लगता है कभी कि किसी के लिए कुछ करें? आपको सबसे पहले देखिए, ये इंसानी जज्बा है कि हम बाकी लोगों के लिए कुछ करें, ये बेसिक जज्बा है हमारा। लेकिन आप तभी किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं जब आप खुद स्ट्रांग होंगे। तो पहला काम जो हमें करना है, हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है। आज अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे जो है जिसको कहते हैं आपने समझने का, बहुत सारे हमारे साथी बहुत यंग है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम एक्टिविज्म करते हैं, यानी हम लोग समाज का काम करते हैं, जिसको सोशल वर्क या समाज सेवा आप जो भी कहो वो हम लोग करते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स इसकी इजाजत आपको तभी देंगे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इसकी इजाजत तभी दी कि मैं बाहर जाऊँ, बाकी लोगों के लिए काम करूँ। मेरे साथ यहाँ पे फैदा जी बैठी हुई है, जो मैम आई ना यहाँ पे, ये हमारे साथ बैठी हुई है, ये भी काम करती है, ये भी औरतों के लिए काफी काम करती है। लेकिन इनको अपनी फैमिली से तभी इजाजत मिली जब इनका एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक था। यानी कहने का मतलब है, आप अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप एकदम समाज सेवा में आओ, सियासत में आओ, आप लोगों को लीड करो, आप लीडर बनो, एकदम बनो, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई कम्प्लीट कर लो। पहले आपको पढ़ाई में टॉप होना पड़ेगा, तभी आपके पेरेंट्स आपको कुछ करने देंगे। क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी कुछ गलत थोड़ी बोलते हैं, हमारे लिए दुश्मन नहीं है ना हमारे, तो वो लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं। आपकी सिर्फ नौकरी लगने की बात नहीं है, आप कुछ नया करो, आप कोई नई फैक्ट्री खोल सकते हो, आप कोई नया काम खोल सकते हो, कोई नई चीज कर सकते हो, जरूरी नहीं है ये चीज। दूसरा काम जो आपकी दूसरी अलामत है वो है ये इल्म और जिहाद दोनों में कहा जाता है, ये कोई दो चीजें अलग अलग नहीं है। कि पहले आपको अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आप अपनी फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए काफी कुछ किया है, किया है ना नहीं किया है? आपके पेरेंट्स ने आपके लिए काफी कुछ किया है, लेकिन आप वो लोग बड़े हो रहे हैं, उन लोगों को आपकी जरूरत है। तो पहले आप अपनी फैमिली के लिए, पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। दूसरी चीज, अपनी फैमिली के लिए काम कीजिए, अपने घर वालों के लिए काम कीजिए। अगर आपके घर में किसी को किसी चीज की जरूरत है, पहले अपने घर की तरफ देखिए कि उधर किस किस चीज की जरूरत है, क्या मजबूरियां है, अपने घर को पहले संभालना है। फिर जो इल्म की तीसरी अलामत है वो है जुल्म के खिलाफ लड़ना। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जितने भी लोग हिस्ट्री में, जितने भी बड़े बड़े लोग गए, उन लोगों ने इस चीज का साथ कभी नहीं छोड़ा। यानी कोई बड़ा इसलिए नहीं बनता है कि उसने अपने लिए कुछ किया है, कोई बड़ा तभी बनता है जब वो किसी दूसरे के लिए कुछ करता है। तो पहले आपने खुद को स्ट्रांग बनाया, फिर अपनी फैमिली के लिए काम किया, अपनी फैमिली में देखा क्या जरूरत है, और उसके बाद हम लोग जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। जुल्म के खिलाफ लड़ना इल्म की सबसे आला अलामत है। यानी कि आपने आपने खुद को सेट किया, अपनी फैमिली को सेट किया, सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने जो है वो निभाई, और उसके बाद हम लोग जो है, जैसे शरीफ साहब ने यहाँ पे स्कूल खोला है, तो ये क्या कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, नहीं उन्होंने तो अपनी पढ़ाई कम्प्लीट कर ली है, ये आराम से घर बैठ सकते हैं, ये अभी भी क्यों काम कर रहे हैं? ये आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये तभी कर पाए जब इन्होंने अपनी पढ़ाई कम्प्लीट की। और हम लोग सब कुछ बन जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो कुछ भी बन जाए, सबसे पहले जरूरी है एक नेक इंसान बनना। क्योंकि देखिए, अगर आप एजुकेटेड है, आपने पढ़ाई की है, जब आपने एमबीबीएस भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप किसी को गाली देते हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है आपकी जो सारी एजुकेशन है ये जाया। आप किसी की मारपिटाई करते हो, चाहे फैमिली के अंदर या फैमिली से बाहर किसी की मारपिटाई करते हो, ये गलत बात है।
इसका मतलब आपका सारा इल्म, आपने जितने अपनी पढ़ाई के पैसे खर्च किए हैं सब जाया। अगर अगर आप जिस टाइम गाड़ी चलाते हो या अभी कुछ आप कुछ साल में बड़े हो कि बाइक चलाओगे, तो सामने से कोई कमजोर आ रहा है, कोई बुजुर्ग आ रहा है, कोई औरत आ रही है अपने बच्चे के साथ, उनके लिए रुका करो, उनके लिए गाड़ी रुका करो, उनको पहले क्रॉस करने दो, गाड़ी को जूम करके ही चलाना है कि बस अब हमारे पास ये गाड़ी आ गई, इंजन आ गया, तो जूम करके भराना है, वो नहीं करना है। ये इनकी अलामत है। नहीं तो MBBS, BTech सब कुछ कर लो, आप PhD भी कर लो, लेकिन अगर आप रास्ते चलते हुए तो साइड नहीं देते हो तो ये आपकी एजुकेशन एकदम जाया। तो सबसे पहले हमें क्या बनना है? अच्छा इंसान बनना है। तो मैं आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करूंगी, आप लोगों से मैं यही बात करके अलविदा लूंगी, मैं आपसे रुख्सत लूंगी कि हम ये तय करें कि यहाँ से हम लोग अच्छे इंसान बनेंगे, हम लोग खुद को मजबूत बनाएंगे, अपने घर की तरफ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले समाज सेवा नहीं करनी है, पहले दुनिया को बचाने नहीं, पहले अपने घर में देखो घर में क्या जरूरत है। माँ बीमार होगी और आप जो है बाहर नारे लगा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। पहले आपको अपनी माँ की तरफ ये आसत जाती है, आसत इल्म है कि आपको अपनी माँ की तरफ जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। उनका जो बुढ़ापा है, बुढ़ापे में उनकी किस तरह से उनका हेल्थ होगा, ये आपको पहले ही सेट करना है। आपने जब ये सेट कर दिया, उसके बाद जो इनकी सबसे बड़ी अलामत है, जुल्म के खिलाफ लड़ना, लोगों के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, आप सोशल वर्क कह लो, एक्टिविज्म कह लो, सियासत कह लो, लीडरशिप कह लो, जो कुछ भी उसको कह लो, उसके बाद वो सबसे बड़ी अलामत है। तो शुक्रिया मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।